हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मल्टी सॉल्व। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो गाइस, तो मेरी नाम है अर्पिता। सो यार, टुडेज वीडियो आई विल क्रिएटिंग दिस पार्टी मेकअप लुक और वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी आप बोल सकते हो विथ ओलिविया पैनस्टिक। ठीक है, बेस के लिए मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ किया है और पूरी डिटेल्स में मैं बोल कर ये वीडियो को बनाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी ये डिटेल्स बोल बोल कर मेकअप लुक अच्छा लगता है। तो ओके, ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो में चलेंगे। और ये वाला लुक को अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स लोग, माय व्यूअर्स लोग, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को आप लोग अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना एंड मुझे एक लाइक दे देना, थैंक यू। तो चलो वीडियो पे चलते हैं। जैसे कि मैं आज की ये वीडियो में आप लोगों को बोली कि वेडिंग पार्टी गेस्ट मेकअप लुक शेयर करूँगी, या तो गेस्ट मेकअप लुक, पार्टी मेकअप लुक, जो भी बोलो आप लोग, ओके। तो मैं पार्टी मेकअप लुक ही बोलूँगी इसको, थोड़ा कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करके। तो इसलिए मैंने बेस के लिए अफोर्डेबल एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। हाँ, हाई ब्रांड की भी फाउंडेशन यूज़ कर सकती थी, तो मुझे लगा कि अगर आप लोगों को एक अच्छा कवरेज वाला कोई भी फाउंडेशन चाहिए और उसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो या यू गाइज आर गो फॉर दिस ओलिविया की पैन स्टिक, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसको मैं आप लोगों के साथ, इसके साथ और एक मेकअप लुक की है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। दिस इज सो गुड, बहुत अच्छा क्वांटिटी आ जाता है। ये तो ब्राइडल मेकअप में भी बहुत सारा ब्यूटी पार्लर में यूज़ भी किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें मेरी शेड है 07, ओके। तो मैं इसको एज अ बेस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ आज। और हाँ, इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आज आप लोग बोल ही सकते हो कि मेरे थोड़ा थोड़ा पिंपल एक्ने का मार्क्स है, तो मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया कोई भी करेक्टर, ओके। इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छा खासा कवरेज दे देगा, और मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी। तो ये वाला ओलिविया की पैन स्टिक आप लोग खरीद लेना, 100-150 के अंदर ही आता है। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है मैंने, और फिर मैं इसको आप ब्लेंड कर रही हूँ, ओके। और ये आप लोगों को अपने आप ही पता चलेगा कि कितना अच्छा कवरेज देता है। और इसके ही हेल्प से मैंने कंसीलर भी करूँगी, ठीक है, मेरे आई का। पहले तो मैं मेरी फेस में इसको अच्छा से ब्लेंड कर ले रही हूँ उसके बाद। और आप लोग इसमें 2-3 शेड आता है, तो 07 भी ले सकते हो अगर थोड़ा मीडियम और फेयर स्किन है तो, और डार्क स्किन टोन हो तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ठीक है, थोड़ा ब्लेंडिंग में ध्यान लगाना, नहीं तो कोई कॉम्पैक्ट पाउडर और ये अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कोई कॉम्पैक्ट लेके एक साथ इसको ब्लेंड कर देना। तो फिर मैं इसको अच्छा से ब्लेंड कर दे रही हूँ आप लोगों के सामने डैबिंग मोशन पे, और ईयर पे भी और नेक पे भी ब्लेंड करूँगी, ताकि मेरी ईयर और नेक पूरा नेचुरल लगे, अननेचुरल ना लगे। तो मुझे और एक कोट चाहिए था जो मैंने देखा ब्लेंडिंग के बाद, तो फिर मैं और एक बार अप्लाई करके फिर मैं आई के ऊपर यही अप्लाई कर ले रही हूँ एज अ आई प्राइम आई कंसीलर, ओके। तो ये वाला प्रोडक्ट के हेल्प से आप लोग कर सकते हो मेकअप, पर हाँ, थोड़ा सा ध्यान से ब्लेंड करना और ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगाना, प्लीज़ गाइस। आई सी कि ये वाला प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, ओके। और आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना, आप लोगों का लोकल शॉप में भी ये मिलता है, मैंने तो लोकल शॉप से ये परचेस किया था ओलिविया की ये पैन स्टिक। और हाँ, फिर मैंने मुझे मेरे मेकअप का बेस को थोड़ा सा ग्लो दिखाना है, ठीक है, तो अब ग्लो दिखाना है इसलिए मुझे ऑब्वियसली ये पार्टी गेस्ट मेकअप लुक है, तो मुझे अब क्या करना है। SFR की मैंने ये हाइलाइटर स्टिक लिया है, ये मैंने कप्सन लैसेस से परचेस किया था, 104 इसमें मेरा शेड है, होपफुली कैमरा पिक कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं अप्लाई कर दे रही हूँ पूरी मेरी फेस पे, ओके, ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड हो मुझे। फिर मैं इसको अच्छा से ना
ब्लेंड कर दे रही हूँ हैंड की हेल्प से। मैंने कोई भी एप्लीकेटर या तो कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है, ताकि मेरी बेस थोड़ा सा ग्लो ग्लो लगे। फिर मैं क्या करूंगी, ये दोनों चीज को थोड़ा देर तक सेटिंग होने के लिए मैंने यूज कर रही हूँ ये वाला स्प्रे। ये है स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर। ये भी आपको कप्सल लैसेस अमेजन पे मिल जाएगा, एक बार जाके चेक करना, नायका पे भी ये मिलती है स्विस ब्यूटी की मेकअप स्प्रे। तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके 1 मिनट तक वेट कर रही हूँ, ओके, ताकि मेरी ये वाला पूरा लॉक हो जाए दोनों बेस मेकअप। तो यू गाइज आर सी कि मेरे स्किन पे विद इन कितनी ग्लो आ चुका है, ओके। और रियली ये वाला ट्रिक्स आप लोग कर सकते हो सिर्फ विंटर के टाइम पे। बेसिकली ये विंटर की टाइम है, तो ये जो मैंने किया है हैक्स, ये सिर्फ विंटर के टाइम के लिए ही है। गर्मी में ये वाला ट्रिक्स मत करना, क्योंकि ऐसे करके अगर जाओगे तो पूरा मेकअप आपकी पिघलने लगेगी, स्वेटिंग आती है। जितना ही कॉस्टली मेकअप आप यूज़ कर लो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जस्ट विंटर के लिए ये वाला चीज़ आप लोग कर सकते हो अगर ग्लो मेकअप आप लोगों को चाहिए है तो। तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने आई पे अब कुछ करना है। तो उसके पहले मैंने आई को शेड कर रही हूँ। सेटिंग के लिए मैं ये ब्लू हेवन सफेरा की पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आज के मेकअप मैंने बहुत ही अफोर्डेबल लुक से बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैं आज की मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। 200 और 300 के आसपास और 150 के आसपास सारा प्रोडक्ट आती है। सब प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजन, नायका और कप्सन लैसेस, purple.com, ये सब पे मिल जाएगा, ओके। तो फिर मैं अच्छा से आई को सेटिंग कर दे रही हूँ और मैंने फेस को भी सेटिंग करूँगी। पहले तो मैं आई मेकअप कर लूँ उसके बाद। तो बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा विंटर है, अभी भी पूरा ठंडा गया नहीं है। तो और मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, तो उसके लिए हम सो सॉरी। और फिर मैं अब आई को सेट कर लिया ये ब्लू हेवन की पाउडर की हेल्प से, ट्रांसल्यूशन पाउडर। और ये आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा ब्लू हेवन की ये ट्रांसल्यूशन पाउडर। और विंटर में थोड़ा थोड़ा अभी विंटर है, तो इसलिए ये वाला ग्लोई मेकअप आप लोग करोगे। बट अगेन आई से, अगर आप लोग विंटर के अलावा समर में कोई भी मेकअप करोगे तो ये क्रीम प्रोडक्ट को अवॉइड करना, गर्मी में थोड़ा सा पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करना मेकअप के लिए, ओके। तो चलो अब मैं आई शैडो को अप्लाई करूँगी। फिर जो मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये बायोटिक की लिपस्टिक के हेल्प से आज बहुत ही जल्दी आई मेकअप करूँगी। और मेरी ये ड्रेस की मैचिंग भी ये हो रहा है। ये वाला आई मेकअप आप लोग ऐसे मेरून अगर कुछ भी पहन रहे हो तो कर सकते हो। पहले तो मैं कोई बेस प्रोडक्ट है, ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, ओके। मैंने जस्ट लिपस्टिक को लेके पूरी मेरी आईलिड के ऊपर फिंगर के हेल्प से अप्लाई किया एंड देन आई टेक अ ब्रश। प्लीज़ आप लोग घबराना मत, क्योंकि मैंने इस ब्रश के हेल्प से अच्छा से इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही आई मेकअप लिपस्टिक के हेल्प से करना है तो डेफिनेटली पहले अपना आई को सेट कर लेना एंड अच्छा से फिर कोई क्रीम लिपस्टिक के हेल्प से ये वाला आई मेकअप को आप लोग कर सकते हो। फिर मैं अच्छा से इसको ब्लेंड करूँगी और इस आई पे भी मैं सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ओके। फिर ये वाला लिपस्टिक के हेल्प से पूरी फिंगर के हेल्प से अच्छा से फैला दे रही हूँ। ये बायोटिक की लिपस्टिक है, तो अच्छा से फिर इसको ब्लेंड करना है आप लोगों को, ओके। मैंने देखो अच्छा से इसको ब्लेंड कर लिया, ओके, और बहुत ही अच्छा से ये ब्लेंड हो गया, क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा है। एंड आप लोग बोल सकते हो कि क्यों कोई आई शेडो पैलेट आप यूज़ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पार्टी बजट फ्रेंडली मेकअप कर रही हूँ, पार्टी मेकअप बजट फ्रेंडली, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो जब क्रीम प्रोडक्ट दिखा रही हूँ तो यही आई शेडो के लिए यही लिपस्टिक। आप लोगों के पास अगर ऐसे कोई बुलेट लिपस्टिक है जो कि आपके ड्रेस के मैचिंग पे है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग
ऐसे आई मेकअप कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, ये है SFR की हाइलाइटर बॉन्जर पैलेट जो मैंने कप्स एंड लैसेस से परचेस किया था। ओके, इसमें से देखो जो गोल्डन शेड है ना, इसको मैंने पिक करके डस्ट आउट करके थोड़ा सा इनर बी पे चला रही हूं। यू गाइस सी, ताकि थोड़ा सा साइन आए, जस्ट लाइक दैट। फिर इसी आई पे सेम ही फॉर्मूला कर रही हूँ। एंड फिर मैं आज थोड़ा सा या इस आई मेकअप को ऐसे ही, ये एकदम हेवी लग रहा है, तो फिर मैं काजल और मस्कारा अप्लाई करूँगी। ओके, पहले मैं इसको अच्छा सा ब्लेंड कर ले रही हूँ इनर वी को, फिर मैं आईब्रो करूँगी। गाइस सी, इसमें दो पाउडर आता है, एक ब्राउन एंड ब्लैक, तो मैं दोनों को मिक्स करके मेरे आईब्रो पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और ये एप्लीकेटर भी इसके साथ आता है, एंड दिस इज सो गुड प्रोडक्ट। और मैं पाउडर प्रोडक्ट लवर हो गई हूँ आईब्रो के लिए। ठीक है, आप लोगों को अगर क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते करते बोर हो चुके हो तो एक बार डेफिनेटली पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करके देखना आप लोग। फिर मैं मेरी आईब्रो को अच्छा से फिल कर ले रही हूँ, एंड देन मैं स्पूली की हेल्प से इसको मर्ज कर दे रही हूँ। ओके, पहले मैं कंटूरिंग करके फिर मैं लाइनर और मस्कारा पे जाती हूँ, सॉरी मस्कारा और काजल पे जाती हूँ। तो कंटूरिंग के लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, वो है NYBay के तरफ से। और वेट, मेरा ये निकल नहीं रहा है, पता नहीं, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ये NYBay के तरफ से ये प्रोडक्ट, पता नहीं रखते रखते पूरा पिघल गया, बिकॉज ये क्रीम प्रोडक्ट है, ये NYBay के तरफ से है। और ओके, इसके हेल्प से मैं कंटूरिंग करूँगी, तो मैं फिंगर के हेल्प से इसे अप्लाई कर दे रही हूँ। फिर मैं आई और आई पे मस्कारा एंड काजल अप्लाई कर ले रही हूँ। और मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया क्योंकि मेरी प्रोडक्ट का ये हाल हो गया है। मतलब आप लोगों को पता है, जो लोग मेकअप लवर हो, थोड़ा सा प्रोडक्ट का कुछ हो जाता है तो हमें चुभता है, मतलब हमें तो बहुत चुभता है, मतलब मुझको तो। प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई, आई एम सो सॉरी। तो जस्ट फेस आप लोग बना के जस्ट अप्लाई योर कंटूर, और मैं क्रीम कंटूर ही करना पसंद करती हूँ, और इधर भी मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। आई फील सो बैड गाइज। फिर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ यही ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। सो नाउ माई कंटूरिंग इज डन, एंड ओके, फिर अब मैं आई के ओर बढ़ती हूँ। दोनों आई पे ही काजल अप्लाई कर लिया। अब मैं SFR की वही ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर पैलेट में से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी, फिर मैं मस्कारा को अप्लाई करूंगी। ओके, एज योर विश, आप लोग मस्कारा अप्लाई करने के बाद भी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं एक पेंसिल ब्रश को लूंगी, आई अप्लाई दिस वन, ये गोल्डन वाला शेड, ओके, फॉर इनर कॉर्नर, जस्ट हाईलाइट थोड़ा बहुत। और फिर मैं यही सेट को पिक करके, ये गोल्डन को, मैं मेरी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी। आप लोग ऐसा ब्रश अमेज़न पे जाके चेक कर सकते हो, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश बोल के, तो वहां पे आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो मस्कारा के लिए मैंने यूज किया ये बेला फॉस्टे की मस्कारा, ये आपको purple.com पे मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। और अगेन आई से, आज का ये वाला पार्टी मेकअप है, ओके, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के हेल्प से मैंने क्रिएट किया, तो डेफिनेटली ये वाला मस्कारा तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए।
और हाँ, मैंने आईलैस को कलर किया, कर्ल किया था ऑफ कैमरा आईलैस कलर के हेल्प से। तो आप लोगों को अगर आईलैस कलर परचेस करना है तो नायका पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। वो मैंने क्लिप नहीं ले पाया और मैं भूल भी गई थी। तो गाइस सीखिए कितना जल्दी वॉल्यूम दे देता है आईलैस को। तो मेरी मस्कारा इज डन यू गाइस सी, एंड या देन अब मैं, दिस इज डन, अब मैं करूंगी ब्लश आउट एंड हाइलाइटर। तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया कि ये वाला जो पिंक शेड देख रहे हो, इसको मैंने एक ब्लश ब्रश बोल सकते हो, पाउडर ब्रश बोल सकते हो, उसके हेल्प से पिक किया। फिर मैंने डार्क्स आउट किया। अब मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। हमेशा ब्लश अप्लाई के टाइम में थोड़ा सा हंसा करो गाइस। और मैं नोज पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर दे रही हूँ और ये वाला चिन पे भी। सो या दिस इज नेचुरल, एंड या यू गाइस सी कि ये अप्लाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है। एंड देन आई जस्ट यूजिंग दिस हाइलाइटर, ये गोल्डन वाला लेके जस्ट हाईलाइट माई नोज एरिया एंड हाईलाइट माई क्यूपिड्स बो। एंड इधर मैं हाईलाइट और क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उसी टाइम थोड़ा सा ग्लो के लिए बेस्ट हाईलाइटर स्टिक हाईलाइटर यूज़ किया था, इसलिए। तो मैंने जस्ट फिंगर के हेल्प से मेरी नोज को हाईलाइट कर रही हूँ। यू गाइस सी वो गोल्डन वाला पिक सेट को पिकअप करके, एंड देन माई क्यूपिड्स बो एंड माई चेन, दैट्स इट। देन अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। वन सेकेंड के लिए यूज कर रही हूँ डार्लिंग इसाबेला की ये वाला लिपस्टिक, और इसमें से मेरी शेड है 13। ओके, सो या कहीं ना कहीं मेरी आई के साथ लिप्स भी आज थोड़ा सा मैच कर रहा है और अच्छा ही लग रहा है, उतना खराब भी नहीं लग रहा है। सो लिपस्टिक इज डन, एंड नाउ आई यूजिंग दिस स्प्रे, स्विस ब्यूटी की तरफ से है ये। अब मैं थोड़ा मेरी बाल को सवार के और एक्सेसरीज के साथ आप लोगों के सामने आ रही हूँ।